चीज़ों की ज़रूरत है, आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। गाइस, ये काली मिर्च और गरम मसाला मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून, दोनों चीज़ें 1/2 टीस्पून चाहिए। हरा धनिया मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये खुशक धनिया और ज़ीरा, इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया है, ये ज़्यादा है लेकिन मुझे 1 बेबी स्पून चाहिए। अंडे मैंने लिए हैं 4 अदद, हरी मिर्च मैंने लिए हैं 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। नमक हमें चाहिए हसबे का, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। गाइस, ये दूध मुझे चाहिए 1 कप, ये मेजरमेंट कप है तो सिर्फ 1 कप मुझे दूध चाहिए। और ये मुझे चाहिए खुशक मेथी, ये तकरीबन मुझे चाहिए 1 बेबी स्पून। गाइस, ये मैंने सुरख मिर्च ली है, तो ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और पाउडर मिर्च का लिया है, ये मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून दोनों। गाइस, ये मैंने मायोनीज ली है, ये हमने क्रीमी पराठा बनाना है उसके लिए मायोनीज की ज़रूरत है, तो ये हमने हसबे ज़रूरत लेनी है, जितनी इस्तेमाल होगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। और गाइस, ये हमने मैदा लिया है, ये तकरीबन ये मेजरमेंट वाला कप 4 अदद कप है। तो गाइस, ये 4 कप मैंने मैदा लिया है, तो ये मैं आइए अब हम इसको गूंथते हैं और आपको बताते हैं। इसमें मैंने ऑयल डालना है और मैं आपको बताती हूँ हमें कितना ऑयल चाहिए। ये पहले मैं आटा गूंथती हूँ और इसका मैं सारा तरीका आपको बताती हूँ कि ऑयल की हमें कितनी ज़रूरत है। देखें, ये हमने ऑयल डाला है 4 से 5 चम्मच। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, गुठली है अच्छे से हमने कवर करनी है। और गाइस, ये देखें, जब ऑयल हमें इतना चाहिए कि ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाइए। देखें, अभी नहीं बन रही, हम इसमें और ऑयल डालेंगे। मैं फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। गाइस, आपने चेक करते रहना है, जहाँ मुट्ठी बनेगी उधर ऑयल बस कर देना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह की मुट्ठी बननी है। देखें गाइस, अभी भी नहीं बन रही। ये देखें गाइस, अभी मैं इसमें और ऑयल डालूँगी। ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑयल इसमें काफ़ी है। ये देखें गाइस, जब ये ऑयल, ये हमारा आटा इस कंडीशन में आ जाएगा तो उस वक्त हमने ऑयल बस कर देना। ये देखें गाइस, ये मैं उस वक्त की बनाना चाह रही थी, तो इसलिए आपने अंदाजन ऑयल डालना है और डालते डालते ये देखना है कि ये मुट्ठी इस तरह बन जाए। ये देखें बस गाइस, इतना ही ऑयल चाहिए हमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने हसबे जैका लेना है, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, दूध हमने पूरा डालना है और पानी हमने चाहे कम लगे लेकिन दूध पूरा डालना चाहिए इसमें। हमने साथ साथ दूध डालते जाना है और साथ साथ पानी डालते जाना है, लेकिन दूध आपने इतना डालना है कि ये सारा दूध इसमें लगे। गाइस, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये उबला हुआ दूध है और ये ठंडा दूध है। और ये दूध डालने से आटा बहुत सॉफ्ट गूंदेगा, हमने ये सख्त नहीं रखना, बिल्कुल नरम रखना है। गाइस, इससे मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप परेशान ना हो, लेकिन मैं आपको आटा सारा गूंदना बता रही हूँ। ये मैंने आटा निकाल लिया है गूंद के। अब हम इस पे बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आटा इसके अंदर रख देंगे। ये देखें, हमने आटा बहुत अच्छे से गूंद लिया। अब मैं इसको प्लास्टिक कवर से कवर कर देती हूँ। ये देखें गाइस, अब इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रखती हूँ और उतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखें, मैंने एक बाउल ले लिया, अब हम इसमें डालेंगे अंडे। देखिए गाइस, हमने अंडे ये अलग अलग तोड़ के डालने हैं ताकि कोई ख़राब ना हो इसके अंदर। देखें, मैंने 4 अंडे तोड़ लिए हैं। अब हम इसको बीटर से बीट कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, मैंने अंडे को अच्छे से बीट कर दिया। ये देखें, हमने ऐसा बीट करना है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। गाइस, ये हरा धनिया हमने डाल दिया इसमें, ये हरी मिर्च हमने 1/2 डालनी है, ये सुरख मिर्च, ये देखें 1 टीस्पून ये डाल दी है और 1 टीस्पून ये डाल दी है। गाइस, हमने ये खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये देखें, ये मैंने 1 बेबी स्पून डाल दी है। गाइस, ये काली मिर्च है,
ये मैंने हाफ टी स्पून डालना है, ये गरम मसाला भी हाफ टी स्पून है, ये खुश्क मेथी है ये हमने डाल दी है, इसे खुश्क मेथी से बहुत अच्छा जायका आता है गाइस। ये नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, और ये मैं देखें हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है गाइस। हमारा अंडा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड पर रखते हैं। ये आटे को 15 मिनट हो गए हैं, अब ये प्लास्टिक कवर इसके ऊपर से उतारते हैं। ये देखें गाइस आटा कितना सॉफ्ट हो गया है, और इसका पराठा भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो आइए अब हम इसे इसके पेड़े कर लेते हैं गाइस। ये देखें चार पेड़े बन गए हैं, और मैंने ये चारों ही बना दिए हैं। तो आइए अब मैं आपको पराठा बनाना बताती हूँ गाइस। मैं ये जो सा पराठा बना रही हूँ ये बहुत ही आसान है, ये मैं आम हर वक्त घर में बनाती हूँ जब भी ज़रूरत पड़े, ये बहुत ही आसान और ईजी है। तो आप भी इसको आम बनाया करें। तो आइए मैं आपको बनाना बताती हूँ गाइस। ये देखें अब मैं ये आटा नीचे लगा लूँगी, और ये देखें गाइस अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसको रोटी को अच्छे से बेल लेना है, हम इसको जितना बेलेंगे हमारा पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल डाल लगा देंगे, ये देखें अच्छे से ऑयल लगा देना है, और साथ ही हमने इसके ऊपर आटा डस्ट कर देना है, ये देखें, और इसको भी हमने अच्छे से ये मर्ज कर देना है। अब ये देखें गाइस ये हमने छुरी लेनी है, और इसका हाफ पेड़े के कट लगा देना हमने, ये देखें कट लगा के, ये देखें गाइस अब हमने इस तरह इसको फोल्ड करना है। ये देखें गाइस ये मैं आम हर वक्त घर में यही बनाती हूँ, दूसरों को ज़रा टाइम लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है गाइस। ये इस तरह बन गए, अब हमने इसको ये देखें इस तरह आपने घुमा के और इसको ऐसे बिठा देना, ये देखें ये हमारा गाइस ये देखें कितना अच्छा पराठा बन गया, पेड़ा बन गया। तो आइए मैं इसी तरह सारे पेड़े बना के आपको दिखा। मैंने कितने अच्छे से चारों पेड़े बना लिए हैं, और इसको मैंने स्टे देना था, इसलिए अब हमने जो सा ये पहला पेड़ा है उसको मैं बेल लेती हूँ और आपको पराठा बनाना सिखाती हूँ गाइस। ये हमारा पहला पेड़ा है, आइए अब मैं इसको बेल लेती हूँ। अब हमने इधर भी थोड़ा सा आटा लगाना है, ये देखें गाइस ये बहुत पतला और बहुत अच्छा पराठा बनता है इससे, और ये बहुत ही आसान है दूसरे पराठों से गाइस। ये देखें मैंने पराठा अच्छे से बेल लिया। तो आइए अब हम तवे की तरफ चलते हैं, और ये पराठा आपको सेकना बताती हूँ। ये मैंने तवा रख दिया है, और ये देखें आंच मैंने हल्की रखी हुई है, ये मुझे 5-10 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब हम इसके ऊपर ये अपना पराठा डालते हैं, ये देखें गाइस ये हमने पराठा इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब मैं आपको सेकना बताती हूँ, ये 1-2 मिनट मुझे इसी साइड पर रखूँगी, और एक मिनट काफ़ी है, और 1 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें ये एक साइड हो गई है, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं, ये देखें अब हमने इसके ऊपर ऑयल डालना है, ये देखें ऑयल डाल के इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, आराम से करेंगे ताकि ऑयल की छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। गाइस ये पराठा भी बहुत अच्छे से फूलता है, और ये बहुत ही अच्छा बनता है, ये देखें गाइस कितना अच्छा फूल रहा है ये पराठा। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है, थोड़ा सा ऑयल इधर डालूंगी, अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया, ये देखें ये देखें गाइस कितने अच्छे से ये देखें फूल रहे, इसको मैं जितना दबाऊंगी ये उतना फूलेगा, ये देखें बहुत ही अच्छा और बहुत ही नरम और बहुत मज़े का पराठा बनता है। ये देखें ये चाहे सादे आटे का आप गंदम के आटे का भी बनाएंगे वो भी इसी तरह फूलेगा। ये देखें गाइस कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया ऐसे दबा के गाइस। आँच मैंने आपको आगे भी दिखाई है, ये मैं फिर दिखा रही हूँ, आँच मेरी इतनी है, ये देखें
तो बहुत अच्छे से सेक लिया मैंने पराठा, तो अब मैं इसको उतार देती हूँ। ये देखिए गाइस, इसी तरह मैं सारे पराठे पका के आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, मैंने चारों पराठे पका लिए हैं, ये देखें। अब हमने इसका अगला काम करना है कि इसको क्रीमी बनाना है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं मायोनीज। देखें ये मैंने मायोनीज लगाई है, अब हमने इसको अच्छे से ये ऊपर लगा देनी है, अच्छे से लगानी है गाइस। ये मैंने तवा उधर ही रहने दिया था, अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। तो ये देखें ये अंडा है, अब हमने ये अंडा बनाना है। ये देखें अब मैं ये इसके ऊपर डालूँगी। ये देखें गाइस, चूल्हे की आंच में थोड़ी सी तेज़ करती हूँ। ये देखें ऐसे ही हमने रहने देना है। अब हमने ये देखें ये मायोनीज मैंने लगा ली है, अब हमने ये पराठा इसके ऊपर लगा देना। ये देखें गाइस, अब हमने इसको अच्छे से दबाना है ऐसे। गाइस आंच मैंने ये देखें हल्की रखी हुई है, थोड़ी सी तेज़ करती हूँ। ये देखें, ये देखें गाइस, अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें, ये देखें ये बहुत अच्छे से पराठा बन गया है। गाइस इसी तरह हमने ये सारे पराठे सेक लेने हैं और इसी तरह ये अंडा लगाना है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखें ये क्रीम क्रीम नज़र आ रही है, ये हमारा क्रीमी एग पराठा बन के तैयार हो गया है। तो आइए मैं इसी तरह सारे बना लेती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके। मेरा एग क्रीमी पराठा बनके तैयार हो गया है, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े से बना है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक दें और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना है। आखिर में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अब दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो गाइस मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये पूरा पराठा है, ये मैंने एक पूरा रखा था काटने के बगैर। तो आइए गाइस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गाइस ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस इसकी कितनी ये लच्छे नज़र आ रहे हैं। गाइस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का पराठा बनता है। गाइस आप चाहे गंदम की रोटी का बनाएं, चाहे किसी का भी बनाएं। ये देखें देखने को ये कितना अच्छा, और ये देखें गाइस ये ऐसे ही उतर रहा है। ये बहुत ही अच्छा और मज़े का पराठा बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें अंडे के बगैर ही। आप सादा पराठा घर में सालन के साथ या किसी चीज़ के